नमस्कार दोस्तों, अमित टेक्नो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज करके अपने कपड़ों पर शाइनिंग कैसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ कि मैं एक फ़ोटो बनाया था अभी ही, अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड चेंज करो, अपने कपड़ों पर शाइनिंग भी डाला था। फ्रेंड्स वो इमेज मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला मेरा ये फ़ोटो कुछ इस प्रकार था और अब मैं इसको इस प्रकार बना दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे कपड़ों पर कितने शाइनिंग है और ये इसमें बैकग्राउंड भी चेंज हो रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रकार की फ़ोटो बनाना चाहते हैं बैकग्राउंड चेंज करके और अपने कपड़ों पर शाइनिंग डालना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरी देखें, इसको फॉरवर्ड ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप इस प्रकार की फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपनी प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है फेस ऐप। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऊपर ही आया हुआ है फेस ऐप AL फेस एडिटर। फ्रेंड्स इसको आप क्लिक कर देना है आपको। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा हूं और अभी ही मैं वो फ़ोटो बनाया था जो अभी कुछ देर पहले मैं आपको दिखाया था। तो फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं पहले से ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूं, ये मुझे अपडेट करने के लिए कह रहा है और मैं अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको बताना है कि आप अपने फ़ोटो को कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बैक आकर ओपन करता हूँ इस एप्लीकेशन को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरे पास एप्लीकेशन वो फेस ऐप। तो फ्रेंड्स आपको भी इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इस पे जो भी आप फोटो एडिटिंग करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा अभी ऑन है, आप भी जो भी इस पर एडिटिंग करेंगे डेटा ऑन करके ही करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं वो इमेज ले लेता हूँ जो मुझे बैकग्राउंड चेंज करने हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कि इस इमेज में कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं है और कपड़ों पर शाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, स्माइल इंप्रेशन ब्रेड्स वगैरह एज का और सब, तो इसको आपको स्क्रैच करना है इस तरफ। स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आप अपने मेमोरी में बैकग्राउंड इमेज रखें तो यहाँ से गैलरी में से जा सकते हैं, उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इस इमेज को भी ले सकते हैं इन इमेज को। तो फ्रेंड्स मैं इसमें आ जाता हूँ वेब में। इस पर इसमें बहुत प्रकार की इमेजेस हैं और आप भी इसमें जाइएगा तो बहुत प्रकार की इमेजेस मिलेंगी। तो सिंपली इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको सेलेक्ट करना है आपको गार्डन वाली बैकग्राउंड चाहिए या लक्सरी इंटीरियर रूम में के बैकग्राउंड चाहिए या पार्क की। तो मैं पार्क पर क्लिक कर देता हूँ। पार्क पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इनमें से आपको कोई सी भी सेलेक्ट कर लेनी है। चलो फ्रेंड्स मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर बटन दिख रहा है यूज का, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यूज पर क्लिक कर रहिएगा तो आपका फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और साथ ही आपके कपड़ों पर शाइनिंग भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है और मेरे कपड़ों पर देख सकते हैं कि शाइनिंग भी आ चुकी है। फ्रेंड्स सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नीचे दिखाए राइट साइड में अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा है ये डाउनलोड का ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी, यहाँ पर लिख रहा है सेव्ड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और साथ ही अपनी कपड़ों पर शाइनिंग भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।